चलिए यूपी के करहल आपको लिए चलते हैं। मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुने। ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का प्रणाम है। देखो कितनी दूर से भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है। वो कहते हैं, सोचते होंगे, देखे मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी मेरी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरे पूरा करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विश्वास सभा, लाखों लोग आए उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेता पर खेती बाड़ी को करेंगे, खाद भी सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो।